coefficient of viscosity. को निकालने के कई तरीके हैं, आपको मैं दो तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन निकालना बताऊंगा। पहला तरीका, मान लीजिए लिक्विड की दो लेयर्स हैं, ये वाली लेयर जा रही है V से, ये वाली लेयर जा रही है V प्लस डेल्टा V से, दोनों लेयर के बीच में कुछ सेपरेशन है डेल्टा X का, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ मोशन हो रहा है, ये फास्टर चल रही है, स्लोअर चल रही है, तो जो स्लो वाली लेयर है वो फास्ट वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी एक फोर्स से, जिसको हम विस्कस फोर्स बोल सकते हैं। तो वो विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होती है एफ इज इक्वल टू ईटा ए। ए क्या है? इन लेयर्स का एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये लेयर्स के बीच का, लेयर्स का सरफेस एरिया बोल सकते हो, ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। एफ इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, में ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है भाई, लिक्विड की लेयर के बीच में विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, ए एरिया हो गया, ए वाला एरिया जितना ज्यादा होगी, एरिया जितना बड़ा होगा सरफेस का, ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा होगा। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स पे डेल्टा वी वेलोसिटी हो गई, और डेल्टा एक्स दोनों वेलोसिटी में डिफरेंस हो गया, और डेल्टा एक्स जिन दो लेयर की हम बात कर रहे हैं विस्कस फोर्स निकालने की, तो उन दोनों लेयर्स के बीच का सेपरेशन हो गया। आते डायमेंशन निकालने में, फोर्स एम एल टी माइनस टू, एटा मुझे निकालना है, ए एरिया एल ए स्क्वायर, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, डेल्टा एक्स एल, एल से एल कट गया, अब ये एल स्क्वायर यहां पे आएगा तो एम एल माइनस वन, टी माइनस वन से ये कट जाएगा, तो ईटा की डायमेंशन बची एम, एल की पावर वन से एल की पावर टू, वन अपॉन वन माइनस टू माइनस वन, माइनस टू से एक माइनस वन चला गया तो एक माइनस वन, तो ये बन गई हमारी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, रट लो, याद कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। मैंने बोला था दो तरीके से बताऊंगा, दूसरा तरीका भी बताता हूं। जब किसी, जब आप विस्कोसिटी पढ़ोगे मैकेनिकल फ्लूइड में, तो एक चीज पढ़ोगे, जब एक सॉलिड बॉल को, हाई डेंसिटी की सॉलिड बॉल को लिक्विड में रिलीज कर दें, एक हाई डेंसिटी सॉलिड बॉल को, जैसे पेंडुलम का बॉब होता है छोटा लेकिन हाई डेंसिटी, उसको मैंने लिक्विड में रिलीज कर दिया और ये चलता जा रहा है लिक्विड में वी वेलोसिटी से, स्फेरिकल बॉल है आर रेडियस की, तो इस पे जो लिक्विड की लेयर्स विस्कस ड्रैग लगाती हैं, विस्कस फोर्स लगाती हैं, ड्रैग मतलब फोर्स, तो उस विस्कस ड्रैग के लिए एक फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी, इसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे नेवियर स्टोक्स, सर नेवियर स्टोक, इज्जत देनी चाहिए, महान साइंटिस्ट थे, हाँ सही बात। तो इस बॉल पे विस्कस फोर्स लग रहा है 6 पाई ईटा आर वी। अच्छा, ये मैं फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, अगर आप वो वाला फॉर्मूला भूल जाओ, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स वाला, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, ये तो आसान है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, फोर्स एम एल टी माइनस टू, 6 डायमेंशनलेस नंबर है, पाई डायमेंशनलेस नंबर है, ईटा निकालना है, आर रेडियस एल, वेलोसिटी एल टी माइनस वन। अब देखो एम बचा, एक एल से एल एल कट गया, टी माइनस टू से एक माइनस वन कट जाएगा, फिर वही आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और मैंने दो तरीके से निकालना बताया। एक तरीका मैंने बताया, आप एफ इज इक्वल टू ईटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लिक्विड लेयर के बीच में फोर्स से कर लो, पहले लिक्विड लेयर्स, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका मैंने बताया, आप स्टोक्स लॉ लगा लो, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, फ्रॉम बोथ मेथड्स यू विल गेट द सेम डायमेंशन, ऑब्वियसली क्वांटिटी वही है तो डायमेंशन सेम आएगी, डायमेंशन क्वांटिटी का नेचर बताती है भाई, नेचर वही है, क्वांटिटी वही है तो डायमेंशन सेम आना ही है, और कितनी आएगी एम एल माइनस वन टी माइनस वन। आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हो गया, आगे बढ़ते हैं एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं रिपीट कर चुका हूँ, मतलब इनफेक्ट कर चुका हूँ, एंगल कई बार बता चुका हूँ, बट इसलिए बता रहा हूँ, एंगल चाहे प्लेन एंगल हो टू डायमेंशनल, सॉलिड एंगल हो
थ्री डायमेंशनल, दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। एंगल आर का अपॉन रेडियस, आर की भी एक लेंथ रेडियस भी एक लेंथ। सॉलिड एंगल एरिया अपॉन आर स्क्वायर, भाई वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिया था सॉलिड एंगल में। एक आप वाटरमेलन आजकल बिक रहा है मार्केट में, देखो आप ऐसे स्लाइस ऐसे उसकी कटी रखी रहती है, जब वो शॉपकीपर बेचता है तो वो क्या करता है, तो वो जो वाटरमेलन के जो एरिया का पैच निकाल के रखा वो डेल्टा ए समझ लो, वो सेंटर तक जो डिस्टेंस उसको आर समझ लो, तो डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। डेल्टा ए एरिया वो भी एल स्क्वायर है, और नीचे आर स्क्वायर वो भी एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रेशियो कट गया, डायमेंशनलेस। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों डायमेंशनलेस हैं, बट कीप इन माइंड दे आर नॉट यूनिटलेस। यूनिट है प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। एंगल डिग्री में होता है, डिग्री भी यूनिट होती है, बट वो एसआई यूनिट नहीं है ना, एसआई यूनिट तो रेडियन और स्टेरेडियन है, तो उन्हीं को मेंशन करना। ठीक, अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो क्या उसका यूनिटलेस होना मस्ट है, बताओ ट्रू और फॉल्स? इफ ए क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस देन इट मस्ट बी यूनिटलेस, ट्रू और फॉल्स? पीपल हु आर ऑनलाइन, इफ ए क्वांटिटी इज, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, ओनली थिंग यू हैव टू टेल ट्रू और फॉल्स, एंड आई एम वॉचिंग योर रिस्पॉन्सेज। इफ ए क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस लाइक प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, देन इट मस्ट बी यूनिटलेस, ट्रू और फॉल्स? तो ऑब्वियसली आंसर है फॉल्स। ये दोनों क्वांटिटी डायमेंशनलेस होने के बाद जूथ यूनिट रख रही हैं, प्लेन एंगल की रेडियन सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, ठीक यूनिट हो सकती है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे और मे नॉट हैव ए यूनिट, लिख दे रहा हूं साफ साफ ये स्टेटमेंट आपको।